ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने लिख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, चलिए आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अब आप सभी को करना है कि आप सभी को पहले तो यार इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, और फिर उसके बाद जाना आप सभी को ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जो मॉडल है मैंने उसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है इरेज करने में, तो यार उसकी सोल्यूशन के ऊपर मैंने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। अभी रिसेंटली मैंने बनाई थी, उस पर काफ़ी अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स भी आया। तो गाइस, प्लीज़ यार आप उस वीडियो को चेकआउट करना, आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे, तो उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम एक पीले एम्बेडेड लेयर बना लेते हैं। एंड गाइस, इसको हम रख लेंगे अपने मॉडल के नीचे। एंड अपने मॉडल को जो है गाइस, मैं थोड़ा सा और अच्छे की तरीके से लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आप सभी को कुछ इस टाइप से कर लेना है। आप सभी को अपने मॉडल को जो अच्छे तरीके से लगा लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को ब्रश में जाना है। ब्रश में जाने के बाद आपको स्मूथ ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसकी जो ओपेसिटी है, आप सभी को अराउंड 15 या 16 तक रख लेनी है। एंड उसके बाद आप सभी को गाइस, फोटो को जूम करके नीचे की तरफ, मतलब कि आपको शेडो बनानी है अच्छे तरीके से बिल्कुल, ठीक है? एंड जो शेडो जो है गाइस, आप सभी की वो मतलब कि गाइस, आपको एक एक बार एक जगह पे पेंट करना है, या एक से दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो यार ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा ना, तो फिर यार ऐसे अच्छे नहीं लगेगी शेडो। तो आप सभी कुछ इस टाइप से शेडो को क्रिएट कर लेनी, जैसे गाइस में आप सभी को दिख रहा है, ठीक है? तो आपको ऐसे कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले आप सभी को अच्छे से पहले यहाँ पर मैं शेडो बना लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे बनानी है कंप्यूटर लेयर। एंड उस लेयर को रखनी है अपने अपने मॉडल के ऊपर। एंड जो गाइस, ब्रश की जो ओपेसिटी होगी वो होगी आप 5 तक, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस, जो ब्रश होगा आपको पूरे में मतलब पेंट कर देना है, ठीक है? मतलब कि ज़्यादातर कोशिश करना कि आपके बॉडी के ऊपर पेंट हो, जैसे गाइस आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, मैं अपनी बॉडी के ऊपर ही ज़्यादा ज़्यादा पेंट कर रहा हूँ। इससे क्या होता है ना कि गाइस, जो आपके पीछे जो बैकग्राउंड में जो अभी आपने शेडो बनाई उससे, और ये जो आपका मॉडल है, ये दोनों मैच हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि शेडो जो है और मॉडल अलग अलग नहीं लगते हैं, दोनों लगता है कि मतलब कि हाँ जी सेम बैठे हुए हैं, ठीक है? इस तरीके से आप सभी को शेडो क्रिएट कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको पेंट कर लेना अपने ऊपर, ठीक है गाइस? तो ओपेसिटी कम रख के ही पेंट करना अपने ऊपर। एंड बाकी जो डार्क जो करना है वो तो आपको अपने बैकग्राउंड को ही करना है। तो गाइस, मैं आप सभी को उसका रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए, हमारी शेडो बन के तैयार है, तो मैं आप सभी को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ऑन ऑफ। एंड गाइस देखिए, दिख रहा होगा गाइस आप सभी को कितना फर्क आ रहा है, ठीक है? तो अब आप सभी को करना है कि यहाँ से आप सभी को सिंपली कर देना है डन। एंड यहाँ से हम चलेंगे बैक। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को क्या वाला पीएनजी मिलेगा आप सभी को विग्नेट का, तो आप सभी को उस पीएनजी को ले लेना है। इसको कुछ फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड ऐसा सिंपली कर देना है डन। तो गाइस देखिए, काफ़ी अच्छा लुक आया हमारे इस पीएनजी से। तो अब आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जो है इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देना है, जो कॉन्ट्रास्ट इसको आगे बढ़ा देना है, जो सैचुरेशन इसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है? फिर इसका डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को अगेन क्या करना है, फिर दोबारा टूल्स में जाकर एडजस्ट में जाना है, फिर इसका जो ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करके, एंड फिर उसके बाद आप सभी को अपनी बॉडी को ऊपर जो है कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। गाइस इससे क्या होगा कि जो आपका मॉडल है वो गाइस थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट है उसमें आएगा, ठीक है? तो मतलब कि थोड़ा मॉडल ग्लो करेगा तो यार अच्छा लगता है फोटो, है ना? तो आपसे कुछ इस टाइप से कर लेना है। एंड जो उसकी ओपेसिटी आप सभी को आगे की तरफ बढ़ा के रख लेनी है, एंड कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अब क्या करना, आप सभी को इस फोटो को सेव कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप में। एंड गाइस, फोटो जो हमने लाइट रूम ऐप में ओपन कर लिया, तो आप सभी को जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है, व्हाइट को कम कर देना है, ब्लैक को बढ़ा देना है। एंड जाना नीचे वाले टूल में, फिर इसका वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को हल्का माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना कलर्स मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना येलो कलर में, इसके ह्यू जो सैचुरेशन है इसको बढ़ा देना है, एंड ह्यू को कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना है आपको ग्रीन कलर में, इसके ह्यू माइनस सैचुरेशन प्लस। एंड उसके बाद जाना आप सभी को डेज में ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में इसके सैचुरेशन आप चाहो तो माइनस कर सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा प्लस में रख लेना, गाइस माइनस में कर देना थोड़ा सा। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, उसके बाद आप सभी को यहाँ से फिर चले जाना है इस पर पर्पल वाले कलर में, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आपको कलर्स के नीचे वाले टूल में जाना है। एंड यहाँ से जो है फोटो क्लियरिटी आप सभी को बढ़ा देना है, जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को नीचे स्क्रॉल करना है, ग्रीन अमाउंट मिलेगा इसको बढ़ा देना है। इसको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है, नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोट रखना आप सभी को इसको ही बढ़ा देना है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और चैनल बनाए तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यार आप सभी को ऐसे ऐसे कंटेंट लाकर देता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।